नमस्कार दोस्तों। तो आज हम मैथमेटिक्स की अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं सर्कल। इससे पहले मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने आपको पॉइंट बताया, पॉइंट के जितने भी इश्यूज हो सकते हैं, चाहे वो सेक्शन फार्मूला है, चाहे डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, चाहे पॉइंट इस साइड लाई कर रहा है या उस साइड लाई कर रहा है, हमने सारी चीज़ें पॉइंट के देखे। फिर हमने स्ट्रेट लाइन के जितने भी इशू हो सकते थे, स्ट्रेट लाइन किस प्रकार से, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर लाइंस, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, तीन पॉइंट को लीनियर है नहीं है, लाइन के इस साइड दो पॉइंट लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, एरिया ऑफ जो पैरेललोग्राम है, इमेज ऑफ ए पॉइंट है जो कि आईआईटी का क्वेश्चन रहता है, इमेज ऑफ ए पॉइंट का, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब हम करने जा रहे हैं सर्कल। तो फ्रेंड्स, सर्कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपके जेई के एग्ज़ाम में, मेंस में, एडवांस में सर्कल का हर क्वेश्चन मतलब आता ही आता है। सर्कल बहुत ही ध्यान से करने का टॉपिक, जो इसमें बोर्ड का जो बोर्ड एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट है सर्कल का, वो बहुत ही लिमिटेड है। आज हम बोर्ड के एग्ज़ाम से करेंगे सर्कल, उसके बाद इसके काफ़ी जो एडवांस्ड वर्जन है जो जेई में, मेंस में पूछे जाते हैं, नेक्स्ट टाइम हम वो भी ट्राई करेंगे। आज हम सर्कल के बेसिक्स जो है सर्कल का वो करते हैं। तो सर्कल की बेसिक डेफिनेशन क्या है, सर्कल की डेफिनेशन क्या है, लोकस ऑफ ए पॉइंट, लोकस सर्कल है कोई भी पॉइंट का लोकस पी लेटर से एक्स वाई, जिसका डिस्टेंस लेटर से एच के पॉइंट से फिक्स रहता है। सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट रिमेन्स द सेम। सो मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट फिक्स, कोई भी ऐसे पॉइंट का लोकस, लोकस मतलब रास्ता, कोई भी ऐसे पॉइंट का रास्ता जो कि एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस मेंटेन करते हुए चले, उसको सर्कल कहा जाता है। ये सर्कल की बेसिक डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूं इसकी इक्वेशन की, तो ये फिक्स पॉइंट जो जहां से वो मेज़र किया जाता है डिस्टेंस, वो है उसका सेंटर, जिसको हम सेंटर बोलते हैं एच के, रेडियस है इसका ए। सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला से यूज़ करूँ, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर स्क्वायर रूट दिस इज इक्वल टू ए। ये ए है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर मैं बात करूं, दिस इज़ एक्स एक्सिस, दिस इज़ वाई एक्सिस, और ये एच के पॉइंट है, ये कोई भी पॉइंट एक्स वाई है, तो इसका डिस्टेंस फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसको खोल के देख लें, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी इक्वेशन है सर्कल की, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। जनरल इक्वेशन जो सर्कल की होती है उसको ऐसे लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो अब मैं, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जो है सर्कल है वो ये है। सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो हमें दो पॉइंट, एक पॉइंट उसका सर्कल का हमें सेंटर पता होना चाहिए, एक उसका रेडियस पता होना चाहिए, हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। ये उसकी जनरल फॉर्म है। जनरल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में अगर मैं कंपेरिजन कर लूँ, सो जी इज इक्वल टू माइनस एच एंड एफ इज इक्वल टू माइनस के इक्वेशन है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है। जनरल इक्वेशन में अगर हम कंपेरिजन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, जी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस एच, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस के, एंड सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इट इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस की स्क्वायर रूट। सो इक्वेशन की फॉर्म हमें ऐसे भी निकालनी आ सकती है, ऐसे भी निकालनी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से कोई भी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस लेट अस से सिक्स वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। सो लेट अस से ये इक्वेशन है। सो हमें कहा गया कि हमें इसका सेंटर पता करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल, हमें रेडियस पता करना है। ये हमारी कोई भी इक्वेशन है। सो सेंटर क्या होगा, इस केस में हमें सेंटर पता है, एच के इज इक्वल टू माइनस जी माइनस एफ। एच के फाइंड करना है हमें, सेंटर क्या होगा, एक्स के कोफिशियंट का हाफ करके नेगेटिव, वाई के कोफिशियंट का हाफ करके नेगेटिव। एक्स के कोफिशियंट का हाफ करके नेगेटिव मीन्स माइनस वन, वाई के कोफिशियंट का हाफ करके नेगेटिव मीन्स माइनस थ्री। सो सेंटर ये है,
एंड रेडियस फाइंड करने का क्या तरीका है, स्क्वायर रूट ऑफ सेंटर का स्क्वायर, एच स्क्वायर मीन्स जो भी आपका सेंटर होगा सेंटर के कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मीन्स 1 + 9 माइनस सी, इसका जो कांस्टेंट है उसको माइनस कर देना है 5, सो दैट इज इक्वल टू 10 - 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो ये हमारा सेंटर होगा, ये हमारा रेडियस होगा। सो ये कोई भी इक्वेशन ऐसे दी हुई थी हमें, दिस वॉज द इक्वेशन जो हमें जनरल इक्वेशन दी हुई थी, जनरल इक्वेशन से हमने जो है इसके सेंटर निकाल लिया, सेंटर हो गया x का कोफिशियंट का नेगेटिव, y के कोफिशियंट का नेगेटिव, हाफ कर दिया दोनों को हाफ कर दिया, माइनस जी माइनस एफ, और रेडियस क्या है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मीन्स सेंटर जो है उसके कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर 1 + 9 माइनस क्या करना है आपको, जो कांस्टेंट है यहाँ पे कांस्टेंट है 5 माइनस कर दिया 9 + 10 - 5 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, सो ये रेडियस हो गया। सो इक्वेशन चाहे हमें ऐसे दी हो चाहे हमें ऐसे दी हो, हमें उसका सेंटर एंड रेडियस फाइंड करना आना चाहिए, ये बड़े सिंपल है। नेक्स्ट है एक और हमें इक्वेशन है डायमीटर फॉर्म कैसे निकालनी है। लेट अस से कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल के पॉइंट पे, लेट अस से दिस इज अ पॉइंट पी, पी इज एक्स वाई, ये टू एंड्स है उसके डायमीटर के, इसका एक पॉइंट है एक्स वन वाई वन, एक पॉइंट है एक्स टू वाई टू, हमें कहा गया कि इसकी आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। सो इस केस में इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, इसको डायमीटर फॉर्म कहा जाता है। सो डायमीटर फॉर्म जो है इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है ऑफ सर्कल, डायमीटर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है हमें फाइंड करनी है। सो आइए वो फाइंड करते हैं, एक बार आइए करते हैं। ये कोई भी पॉइंट x2 y2 है, x1 y1 है, ये ऑपोजिट एंड ऑफ द डायमीटर है, सर्कल का सेंटर ये है, हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सो हमें पता है कि डायमीटर जो है सर्कल के किसी भी पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करता है, दिस एंगल इज 90 डिग्री, सो इफ इट इज़ क्यू इफ इट इज़ आर देन स्लोप ऑफ पी क्यू इंटू स्लोप ऑफ पी आर इज इक्वल टू -1। ये हम स्ट्रेट लाइन में कर चुके हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप्स का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। सो स्लोप ऑफ पी क्यू कितना है, वाई माइनस वाई टू ओवर एक्स माइनस एक्स टू, इंटू स्लोप ऑफ पी आर कितना है, वाई माइनस वाई वन ओवर एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू -1। इट इम्प्लाइज एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट, दिस इज कॉल्ड डायमीटर फॉर्म ऑफ सर्कल इक्वेशन। अगर हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं जो ऑपोजिट एंड ऑफ डायमीटर हैं तो हमें सर्कल की इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। अब कुछ एक स्पेशल केसेस देख लेते हैं। स्पेशल केस में लेट अस से सर्कल का जो सेंटर है अगर ओरिजिन पे है, लेट अस से लाइक दिस, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स इसका सेंटर क्या है 0 0, सो एक्स माइनस 0² प्लस वाई माइनस 0² इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। सो इसकी सिंपल इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये हमारा हो गया अगर इसका सेंटर ओरिजिन पे है। अगर इसका सेंटर एक्स एक्सिस पे है एंड ए वाई एक्सिस को टच कर रहा है लाइक दिस, इस केस में इसका सेंटर है ए 0 पे, इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सर्कल जो है वाई एक्सिस पे इसका सेंटर है लाइक दिस, अगर सर्कल ऐसा है इसका 0 a है, इस स्पेशल केस में इसका इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इसका रेडियस है। सो ये हमें इक्वेशन पता चल गई। एक और स्पेशल केस देख सकते हैं, अगर सर्कल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, लेट अस से ये दोनों को टच कर रहा है, सो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ए ए, इसका सेंटर है ए कोमा ए पे, इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। सो ये सिंपल इक्वेशन हैं जो आप ड्राइव कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक इक्वेशन हम और भी निकाल सकते हैं यहाँ से, लेट अस से ये एक्स एक्सिस को ही सिर्फ टच कर रहा है, वाई को टच नहीं कर रहा है। लेट अस से इसका पॉइंट ये हमारा एच के है, सो देन इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी। सो आप यहाँ से देख सकते हैं दिस डिस्टेंस इज एच, जहाँ पे इसका सेंटर है ये एच है, बट ये कितना है, इसका रेडियस
इसका रेडियस इस केस में के ही है, सो इसका रेडियस के है, सो इसका मतलब है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। ये आप देख सकते हैं। अगर इसी प्रकार अगर मैं एक और यहाँ पे अगर एक और क्वेश्चन लूँ, अगर सर्कल सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इफ़ द सर्कल इज टचिंग ओनली वाई एक्सिस, देन इसका अगर सेंटर एच के है, सो देन आप देख सकते हैं ये जो है इसका जो एच है इसका रेडियस भी एच ही है, ये के है ये एच है, सो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। सो ये कुछ सिंपल इक्वेशंस जो सर्कल की बनती हैं, ये मैंने आपको वो बताई। यहाँ पे हमने देखा अगर कोई ओरिजिन है सर्कल का, सेंटर जो ओरिजिन पे है उसकी इक्वेशन बड़ी सिंपल है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर ये सर्कल का जो है सेंटर है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ए जीरो उसका सेंटर है, उसकी इक्वेशन होगी एक्स माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, उसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर सर्कल सिर्फ एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, y को टच नहीं कर रहा है, तो उसका जो y कोऑर्डिनेट है उसका रेडियस होगा x माइनस एच प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर सर्कल सिर्फ y एक्सिस को टच कर रहा है, x को टच नहीं कर रहा है, तो जो उसका x कॉम्पोनेंट होगा h वो उसका रेडियस होगा। बेसिकली दिस इज द रेडियस, h इज द रेडियस, सो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये इसकी इक्वेशन होगी। सो ये बेसिक हमने सर्कल का किया। एक दो सिंपल क्वेश्चन मैं आज ट्राई कर देता हूँ जो बिल्कुल ही सिंपल हैं, इसके बाद हम अगली बार जो है इसके टफ क्वेश्चन पे चलेंगे। लेट अस ट्राई टू थ्री सिंपल क्वेश्चंस। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, मैंने बताया था पैरेलल लाइंस कैसे फाइंड करना है बिना आपको उसका स्लोप वगैरह देखे। दो पैरेलल लाइंस हैं कि नहीं आप उसके इक्वेशन से देख सकते हैं, 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, अ टेंजेंट्स टू अ सर्कल देन फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, लेट अस से दिस लाइन एंड दिस लाइन, उनके बीच में कोई सर्कल लाई कर रहा है, दिस सर्कल इज लाइंग इन बिटवीन देम। सो एक लाइन की इक्वेशन है 3x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरी लाइन की इक्वेशन है 6x माइनस 8y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमें कहा गया इसका रेडियस फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सो बड़ा ही सिंपल है, लेट अस अज्यूम एच के इज द पॉइंट, ये पॉइंट एच के है, अगर ये पॉइंट एच के है तो इस पे लाई कर रहा है, सो 3h माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज 3h माइनस 4k इज इक्वल टू माइनस 4। एच के पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d कितना होगा, हमें फॉर्मूला पता है किसी भी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, 6 इंटू वो कोऑर्डिनेट्स उसके पुट कर देने हैं, k प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉफिशियंट का स्क्वायर, उस लाइन के कॉफिशियंट क्या है, 36 प्लस 64, इसके कॉफिशियंट है 6 एंड 8, सो 36 प्लस 64, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ, 2 कॉमन आ गया, 3h माइनस 4k माइनस 7 मॉड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100, सो दिस विल बिकम 2 इंटू, इसकी वैल्यू मेरे को पता है माइनस 4 माइनस 4 माइनस 7 मॉड ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू आ गई 8 माइनस 7 मॉड डिवाइडेड बाय 10, सो दिस विल बिकम 15 बाय 10 दैट इज इक्वल टू 3 बाय 2। सो ये 3 बाय 2 है डायामीटर, सो अगर डायामीटर इसका 3 बाय 2 है, इफ डायामीटर इज 3 बाय 2, सो देन रेडियस कितना हो जाएगा 3 बाय 4, सो 3 बाय 4 इज द आंसर। सो ये सिंपल क्वेश्चन है, एक दो और सिंपल क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एक और सिंपल क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू 0.24 सेंटर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस दिस एंड दिस। सो दो लाइंस दी हुई हैं हमें, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर, ये कोई दो लाइंस हैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर सेंटर लाई कर रहा है, और जो रेडियस है वो हमें फाइंड करना है। हमें इसका ये कहा हुआ है कि सर्कल जो है 24 से पास कर रहा है, सो हमें ये सेंटर पता चल गया, दूसरा पॉइंट पता है, हम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पता करके रेडियस पता कर लेंगे और हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी। सो लेट अस सॉल्व दीज टू लाइंस, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 7। अगर हम इसको सॉल्व कर लें, दिस विल बिकम 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 8, अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट कर दें
then it will become 5y is equal to minus 15. So y is equal to minus 3. And y अगर minus 3 है तो x कितना आ जाएगा, 4 plus y. So 4 plus y is minus 3. So x आ गया हमारा 1. So इसका center हो गया जी, सर्कल का सेंटर है 1 माइनस 3 के ऊपर. सर्कल का सेंटर में पता चल गया 2 4 से पास कर रहा है. सो रेडियस कितना आ जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू दिस इज 1 माइनस 3. सो हमें रेडियस पता करना है, रेडियस r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 1 प्लस दिस विल बिकम 4 प्लस 3 9, 4 plus 3, 7 square. So this will become 50, square root of 50. So this is the radius. हमें radius पता चल गया यहाँ से. So हमें equation of circle क्या आ जाएगी, x minus 1 whole square plus y minus 3 whole square is equal to square of radius, that is equal to 50. So ये हमारी equation of circle आ गई. आप इसको solve करके देख सकते हैं आगे क्या आएगा, x square minus 2x plus 1 y square minus 6y plus 9 is equal to 50. So this will become x square plus y square minus 2x minus 6y plus 10. This will become minus 40 is equal to 0. So this is the equation of the circle. Simple equation, x square plus y square minus 2x minus 6y plus 10 हो गया, minus 50 minus 40 is equal to 0. ये आज का हम last question try कर रहे हैं, NCERT का basic question. क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट्स. ये दो पॉइंट हमें दिए हुए हैं 4, 1, 6, 5 एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन. एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है, इस लाइन पे हमारा सेंटर लाई कर रहा है. सो जब भी कोई ऐसा इक्वेशन आए तो हमें एज्यूम क्या करना है, लेट द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ये सर्कल की इक्वेशन है. सिंस सर्कल 4, 1 से पास कर रहा है, इस मीन्स 4, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा. मीन्स 16 प्लस 1 प्लस 2g इंटू 4 प्लस 2fy मीन्स 1 प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज 8 इंटू g प्लस 2 इंटू f प्लस c प्लस कॉन्स्टेंट्स आर 16 प्लस 1 17 इज इक्वल टू 0. 6, 5 शुड ऑल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. 6, 5 मीन्स 6 square plus 1 5 square plus 2g into 6 plus 2f into 5 plus c is equal to 0. This implies 12g plus 10f plus c plus this will become 36 and 25 61 is equal to 0. So ये हमारी second equation हो गई. सिंस सेंटर इज लाइंग ऑन दिस लाइन, सो इट मीन्स सेंटर के हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, माइनस जी एंड माइनस एफ. सेंटर के हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस जी एंड माइनस एफ बिकॉज वो एच के होते हैं. एच के से हमने ये ड्राइव किया हुआ है. सो दिस विल बिकम 4 इंटू माइनस जी प्लस माइनस एफ इज इक्वल टू 16. सो ये इसको सेटिस्फाई करने चाहिए. इट मीन्स 4g प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 16. सो हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, जी एफ सी तीन इक्वेशंस हैं, 1, 2, 3 तीन इक्वेशंस, तीन वेरिएबल हमें सॉल्व करने हैं. हमें जी एफ और सी की वैल्यू मिल जाएगी. एक एक करके वी कैन सॉल्व इट. लेट अस से वी सॉल्व दीज टू इक्वेशंस फर्स्ट. 4g प्लस एफ इज इक्वल टू माइनस 16. सो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेते हैं. एफ इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 4g. सो यहाँ से हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं. दिस विल बिकम 8g प्लस 2 इंटू एफ प्लस सी प्लस 17 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी जी और सी में. इसी प्रकार हम इसमें से एफ एलिमिनेट कर देंगे और जी और सी में आ जाएगी. दो इक्वेशन हो जाएंगी, दो वेरिएबल हो जाएंगे जी एंड सी. वहाँ से हम जी और सी फाइंड कर लेंगे. लेट अस सॉल्व दिस इक्वेशन. 8g माइनस 32 माइनस 8g प्लस सी प्लस 17 इज इक्वल टू 0. यहाँ से 8g एंड 8g कैंसिल हो गए. सी विल बिकम माइनस 17 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 5, 1. सो सी इज इक्वल टू 15. सो यहाँ से हमें सी की वैल्यू पता चल गई है. अब हम यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर सकते हैं. 12g
प्लस 10 एफ प्लस 15 प्लस 61 इज इक्वल टू 0. सो 12 जी प्लस 10 एफ प्लस 7 5 प्लस 1 6 6 प्लस 1 7 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज वन इक्वेशन इन जी एंड एफ. और अगर हम यहाँ पुट कर दें वैल्यू, ये दूसरी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 8 जी प्लस 2 एफ प्लस सी की वैल्यू 15 प्लस 17 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 8 जी प्लस 2 एफ प्लस 32 इज इक्वल टू 0. सो दो इक्वेशन हैं, दो वेरिएबल हैं, सी की वैल्यू 15 है, सी की वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, यहाँ दो इक्वेशंस आ गई. अगर मैं इन दोनों को सॉल्व कर लूँ, दिस विल बिकम 6 जी प्लस 5 एफ प्लस 38 एंड दिस विल बिकम 4 जी प्लस एफ प्लस 16 इज इक्वल टू 0. तो फ्रेंड्स, इन दोनों से हमने ये दो इक्वेशन निकाल ली. इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर लें, दिस विल बिकम माइनस माइनस माइनस, दिस विल बिकम 6 माइनस 20 इंटू जी प्लस 38 माइनस 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम माइनस 14 जी प्लस 38 माइनस 80 इज इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज जी इज इक्वल टू माइनस 3. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये दो इक्वेशन आ गई हैं. इन दोनों इक्वेशन को मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. फर्स्ट इक्वेशन वाज दिस 12 जी प्लस 10 एफ प्लस सी, सी की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी, 15 प्लस 61 76 इज इक्वल टू 0. सेकेंड इक्वेशन थी 8 जी प्लस 2 एफ प्लस सी, सी की वैल्यू मैंने 15 पुट कर दी, यहाँ से सी की वैल्यू मैंने यहाँ से लेके आया, सी की वैल्यू यहाँ पुट करी प्लस 76, ये हो गया हमारा 32 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मैंने इन दो इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व कर लिया. 6 जी प्लस 5 एफ प्लस 32 सेकेंड इक्वेशन बन गई, 4 जी प्लस एफ प्लस 16 इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मेरा एफ वाले टर्म्स कट गई, जी इज इक्वल टू मेरा आ गया फाइनली जी इज इक्वल टू माइनस 3. सो जी अगर मेरा माइनस 3 है तो मेरा एफ कितना हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 4 इंटू माइनस 3 दैट इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस दिस दैट इज इक्वल टू माइनस 4. सो मेरा सर्कल का सेंटर कितना है, सर्कल का सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ. सो दिस विल बिकम, सर्कल का सेंटर बन गया मेरा 3 4, सर्कल का सेंटर हो गया 3 4 एंड उसका हमें सर्कल का जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि वो इन दो पॉइंट से पास कर रही है, तो हमें रेडियस भी पता चल जाएगा इन दो पॉइंट्स का आपस में रेडियस कितना है, दैट इज़ इक्वल टू 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 होल स्क्वायर. सो दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 9 दैट इज़ इक्वल टू 10. सो ये हमारा रेडियस हो गया. सो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी फाइनली, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर दैट इज़ 10. सो ये हमारी इक्वेशन हो गई. सो आई होप आई एम क्लियर. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी इंटू एक्स, 2 इंटू जी, जी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ की वैल्यू माइनस 3 इंटू वाई प्लस सी, सी इज 15 इज इक्वल टू 0. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 15 इज इक्वल टू 0. सो आप चाहे तो रेडियस फाइंड करके निकाल लें, उसके बाद आप रेडियस फाइंड कर लें, चाहे आप इसमें डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर दें, आपका जो सर्कल की इक्वेशन सेम आएगी. दिस इज़ द सर्कल इक्वेशन, दिस इज़ ऑल्सो द सर्कल इक्वेशन. आप चाहे जैसे मर्जी आप इसको निकाल सकते हैं. तो फ्रेंड्स, सर्कल के और क्वेश्चन लगाएं, ढेरों क्वेश्चन लगाएं, ट्राई करते हैं. अगली बार हम इसमें और सर्कल में इश्यूज ट्राई करेंगे, टेंजेंट, कॉर्ड ही हम अगली बार जो है इसके और क्वेश्चन ट्राई करेंगे. तो बन रही है चैनल के साथ. थैंक यू.